अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से शिकस्त दे दी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम आज आखिरी इनिंग में 238 रन बनाकर आउट हो गई। आज की इनिंग जब उन्होंने शुरू की तो तीन खिलाड़ी आउट थे और 12 रन थे। उसके बाद उस्मान ख्वाजा 4 रन बनाकर आउट हो गए। स्वी स्मिथ ने 17 रन बनाए। ट्रेविट हेड कुछ अच्छा खेले, उसने 89 रन की निके। मिचेल मार्श 47 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरी 36 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल स्टार्क ने 12 रन बनाए। लियोन ने 0 और हजलवुड ने 4 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इंडिया की जानब से बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एक विकेट ली हर्षित राणा ने और 2 खिलाड़ियों को सुंदर ने आउट किया और एक विकेट ली नितिश रेड्डी ने। इस तरह ये आज इंडिया की टीम ने ये मैच जीती। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इससे पहले इंडिया की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हुई थी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गई तो पहली इनिंग में तो खासी कारकर्दगी ना दिखा सकी, दूसरी इनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त खेले, जिसमें सबसे बड़ी बात विराट कोहली की थी, उसने सेंचुरी लगाई, क्योंकि उसके 10-11 इनिंगों में कोई सेंचुरी नहीं थी। आज उसने बहुत ही कल उसने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसके बाद जायसवाल ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, उसने 161 रन बनाए। इधर अपने मुल्क में तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरह उसने इनिंग खेली, बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसके साथ के राहुल ने भी बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, और जितनी तारीफ की जाए बुमराह की वो कम है, क्योंकि वो इस मैच में कप्तान भी थे। रोहित शर्मा की जगह उसने कप्तानी की और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, कप्तानी तो की उसके साथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई। पहली इनिंग में उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और दूसरी इनिंग में उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 7 दे उसने सिराज ने और दूसरा 12 था हर्षित राणा, उसने भी उसका बहुत ही ज़बरदस्त साथ दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेहरबानी।